दोस्तों आप सबका स्वागत है। आज हम रिव्यू करेंगे 2015 में आई अमेरिकन सुपर हीरो टीवी सीरीज द फ्लैश सीजन 1। तो बात करते हैं कि भाई 23 एपिसोड की इस बड़ी सीरीज को, इस लंबी सीरीज को आपको देखना भी चाहिए या फिर नहीं। तो यहाँ पर मैं भी शुरुआत में थोड़ा सा डर रहा था कि क्योंकि यहाँ पर 23 एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड की जो लेंथ है वो 40 से 45 मिनट लगभग, तो ऐसे में मेरे लिए भी बहुत बड़ी एक समस्या थी, दुविधा थी कि मुझे ये टीवी सीरीज को देखना भी चाहिए या नहीं। मान लीजिए कि कोई अगर टीवी सीरीज वेब सीरीज है, अगर उसकी जो है कहानी इतनी कुछ खास दमदार ना हो, बेकार सी हो, तो आप उसको फॉरवर्ड करके बड़ी आसानी से देखकर खत्म कर सकते हो, आपका वक्त भी बच जाएगा। लेकिन मान लीजिए अगर वो टीवी सीरीज वेब सीरीज इंटरेस्टिंग हो, तब आप क्या करोगे? तब तो आपको पूरा देखना ही पड़ेगा और सबका वक्त जो है वो कीमती तो होता ही है। तो बात करते हैं कि भाई क्या ये टीवी सीरीज आपको देखना भी चाहिए या फिर नहीं। तो यहाँ पर हम इस टीवी सीरीज की कहानी के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। स्पॉइलर नहीं दूंगा, टेंशन मत लो आप। तो यहाँ पर ये जो कहानी की शुरुआत होती है, एक तरीके से एक समस्या की शुरुआत होती है, वो होती है पार्टिकल एक्सेलरेटर एक्सप्लोजन से, जिसके बाद में काफी सारे जो लोग हैं एक तरीके से सुपर ह्यूमंस में बदल जाते हैं, जिसको यहाँ पर बोला गया है मेटा ह्यूमंस। लेकिन उनमें से ज्यादातर जो मेटा ह्यूमंस हैं वो बुरे हैं, वो एक तरीके से लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उन्हें तकलीफ दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो द फ्लैश है वो भी इसी का एक नमूना है, पार्टिकल एक्सेलरेटर एक्सप्लोजन जो मैंने अभी अभी आपको बताया वो भी इसी का ही नतीजा है, वो भी उसी के वजह से ही बना है। लेकिन वो एक अच्छा इंसान है, उसका काम है लोगों की मदद करना, उनकी रक्षा करना। अब ये जो मेटा ह्यूमंस है लोगों को परेशान कर रहे हैं, इसका काम है उन्हें रोकना। क्या वो उन्हें रोक पाएगा और वो किनकी मदद लेगा? क्या वो अपने काम में कामयाब हो पाएगा या फिर फेल हो जाएगा? यही हमको इस पूरी टीवी सीरीज को दौरान देखने को मिलता है। लेकिन रुको रुको, अभी तो आप बोलोगे कि यार कहानी में उतना कुछ खास तो दम लग नहीं रहा है। तो ये जो मैंने आपको बताया ये तो था मेन प्लॉट। इसके अलावा इस टीवी सीरीज में और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो साथ साथ में चलती रहती हैं और इसी के वजह से ये टीवी सीरीज जो है मुझे पर्सनली बहुत 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 ज़्यादा पसंद आई और मैंने इस टीवी सीरीज को बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया। मतलब कि 23 एपिसोड की इतनी लंबी सीरीज होने के बाद भी इस टीवी सीरीज ने मुझे कहीं पर भी निराश नहीं किया, कहीं पर भी बिल्कुल भी बोर नहीं किया, कहीं पर मुझे स्लो लगी ही नहीं। ये टीवी सीरीज एकदम मजेदार, दमदार, और अगर आपको सुपर हीरो वाली टीवी सीरीज मूवीज देखना बहुत 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 ज्यादा पसंद है, तो वाकई में ये भी देखने लायक जबरदस्त टीवी सीरीज है जिसको आपको मिस बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और यहाँ पर जैसे हमें सारी चीजों को दिखाया गया है वो किस तरीके से क्या क्या करता है, जो फ्लैश का जो कैरेक्टर है, इसके अलावा उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, फैमिली प्रॉब्लम, ये वो, इसके अलावा बाकी बहुत सारी चीजें हमको इस पूरी टीवी सीरीज को दौरान देखने को मिलती हैं। मैं बता नहीं सकता हूं वरना स्पॉइलर हो जाएगा। यानी कि एक तरीके से एक कंप्लीट फुल एंटरटेनिंग ये टीवी सीरीज हो जिसको देखकर आपको मजा ही आ जाएगा। इतना आप एंजॉय करोगे इसको कि आप बोलोगे कि वाह कमाल की टीवी सीरीज थी, इसको देखकर तो मुझे मजा ही आ गया। और यहाँ पर जो मेन प्लॉट है और बाकी जो सब प्लॉट्स हैं वो एक दूसरे के साथ इतनी अच्छी तरीके से आगे बढ़ते ही चले जाते हैं कि आपको मज़ा ही आएगा। यहाँ पर कुछ और अलग चलता रहता है, इधर कुछ और ही चीज़ें चलती रहती हैं, कोई शक के घेरे में है, कोई प्रॉब्लम है, कोई कुछ कर रहा है, कोई ये कर रहा है, मतलब तरह तरह की चीज़ें आपको इस पूरी टीवी सीरीज के दौरान देखने को मिलेंगे। ट्विस्ट, टर्न, सरप्राइजेस तो भरे पड़े हुए हैं कि आपको मज़ा ही आ जाए, कि आप बोलोगे कि वाह कमाल यार मज़ा आ गया। ये होता है, कुछ ऐसा होता है टीवी सीरीज जिसको देखकर मज़ा ही आ जाए, बोर भी ना हो कोई और लगे कि हाँ भाई मैंने देखा और मुझे कमाल का एक्सपीरियंस मिला ऐसा देखने के बाद। तो अभी तक जो मैंने इतनी भर भर के तारीफ की है द फ्लैश सीजन 1 की, तो उससे आपको एक आइडिया लग गया होगा कि भाई आपको ये टीवी सीरीज देखनी भी चाहिए या नहीं। और अगर आपको सुपर हीरो मूवीज, टीवी सीरीज, वेब सीरीज देखना बहुत ही ज्यादा पसंद है, तो मैं खुद आपको ये रिकमेंड करता हूँ कि आपको ये टीवी सीरीज जरूर देखनी चाहिए। आपको ये टीवी सीरीज बहुत ज्यादा पसंद आएगी, आपको कहीं पर भी बोर नहीं करेगी, भले ही इसमें 23 एपिसोड्स क्यों ना हो। और हाँ, कि ये जो टीवी सीरीज है ये हिंदी में भी अवेलेबल है, तो सोने पे सुहागा हो गया कि आपके लिए एक राहत की सांस हो गई कि आपको ये हिंदी में देखने को मिल रही है। तो ऐसे में तो आपको ये टीवी सीरीज तो बिल्कुल भी मिस करना ही नहीं चाहिए। हालांकि जो सीजन 1 है मैंने उसको इंग्लिश में देखा था, तो खैर मेरा बैड लक था कि मैं हिंदी में नहीं देख पाया। बाकी अगर आपने हिंदी में देखा है तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस आप मुझे ज़रूर बताएगा। तो दोस्तों जहां तक बात रही इस टीवी सीरीज को सीजन 1 को रेटिंग देने की, तो मैं द फ्लैश सीजन 1 को रेटिंग दूंगा 10 out of 10 स्टार। बाकी अगर आपने इसको देखा है तो क्या सोचते हैं आप इस सीजन 1 के बारे में, आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कोई सवाल है सुझाव तो कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में फिर किसी ऐसे ही टीवी सीरीज, मूवी या फिर वेब सीरीज के रिव्यू के साथ में। जोहार।